एवरीवन, दिस इज सकिनाली और कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों आज इस वन शॉट की सीरीज में मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक नया चैप्टर जो कि हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कहाँ कहाँ मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ नॉन मेटल्स होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे एक ही वन शॉट में, जो कि आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसी वन शॉट सीरीज के बाद। साथ ही साथ ही आप लोग के हाफ फेली, साथ ही साथ फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आई होप आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एंड आप लोग को नोट्स के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग को वहां नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हम लोग से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो जल्दी से लेट्स गेट स्टार्टेड। भाषा में चलिए बच्चों बाटी, तो देवी और सज्जन आप लोग के मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और ये हमारा चैप्टर नंबर थर्ड हो चुका है हमारी केमिस्ट्री का। तो आप लोग को दोनों चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग फटाफट से पढ़ के आइए, और उसके बाद ही थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करिए, क्योंकि समझने में आप लोग की आसानी होगी। अब मैं बात करती हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स। दीदी हमें पढ़ना क्यों है ये सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं यार। मेटल्स तुम्हारे रोजमर्रे की जिंदगी, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें आसपास बहुत सारे मेटल्स हैं यार। तुम लोग देखो हमारी ज्वेलरी में मेटल, ये ज्वेलरी क्या है, मेटल है। हमारा टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये क्या है। हमें आसपास सभी चीजों में, हम जहां रह रहे हैं, हमारे पास मेटल्स ही मेटल्स है। लेट्स टॉक अबाउट कि दीदी नॉन मेटल्स कहां प्रेजेंट होते हैं और नॉन मेटल्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो नॉन मेटल्स भी यार तुम्हारी जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे तुम लोग ब्रीथ इन, सांस ले रहे छोड़ रहे, सांस ले रहे छोड़ रहे, इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमारा ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना ब्रीदिंग में। तो हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हमारा कार्बन, ये सारे क्या हुए, हमारे नॉन मेटल्स है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, और वही चीजें हम लोग को पढ़नी है कि जो हमारे लिए काफी ज्यादा काम की। डे टू डे लाइफ में इतनी सारी चीजों में हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स यूज हो रहे, तो सर्वाइवल के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तुम्हें पढ़ना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री का ये वन शॉट धातु वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग के इसमें सबसे पहले हम लोग को आता है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होता है। बड़ी प्यारी सी पिक्चर है ना, इसको शिज़ुका नोबिता मत समझ लेना, ठीक है। अब बात है कि एक के ऊपर पॉजिटिव मतलब प्लस साइन लगा हुआ है और एक के ऊपर नेगेटिव माइनस साइन लगा हुआ है। मैं अगर बात करूं कि मेटल्स क्या होते हैं, तो मेटल्स होते हैं दानवीर। आप तुम लोग कैसे याद रखोगे दानवीर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अच्छा कैसे दानवीर होते हैं कि यार देखो, अब तुम लोग किसी भी चीज को न्यूट्रल कब बोलते हैं, जब उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और साथ ही साथ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं बात करूं कि अगर ये वाला जो पॉजिटिव वाला जो हमारा है, ये जो है ये, इसने अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है प्रेजेंट हमारा नेगेटिव, तो इसके पास क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे और प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, तो इसके माथे के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज आप लोग का आ जाएगा। और मैं अगर ऐसे तरीके से बात करूं कि अगर आप पुण्य का काम करते हैं, हम लोग किसी को मतलब पुण्य में कुछ पैसे देते हैं या कुछ भी चीजें देते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग का पुण्य में हम लोग को पॉजिटिव साइन आएगा ना, मतलब हमें पुण्य मिल जाए उस चीज का। आप किसी को कोई भी चीज डोनेट कर रहे हो तो उसमें हमें पुण्य मिलता है। इसी तरीके से इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव साइन आ चुका है क्योंकि इसने पुण्य का काम करा। और ये क्या डोनेट कर रहा है, यहाँ मेटल के केस में ये डोनेट कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, समझे कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो व्हाट इज मेटल यार, बड़ी प्यारी सी है हमारी ये। तो मेटल आप लोग देख सकते हैं इस टेबल के अनुसार मेटल होता है प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं हमारे पास। प्योर में दो कैटेगरी होती है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स जो कि एक या दो चीजों से मिलकर बना होता है उसको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। एलिमेंट्स जैसे आप लोग का गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स में अगर फर्दर क्लासिफाइड किया तो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। क्या होता है मेटलॉइड्स, सबर सबर रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो हमारे पास बच्चों बाटी यहाँ 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से 93 मेटल्स होते हैं, 18 हमारे नॉन मेटल्स होते हैं और साथ ही साथ 7 जो होते हैं वो हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जो मेटल की मैंने आप लोग को बहुत प्यारी सी अभी एक्सप्लेनेशन दी थी, उसकी डेफिनेशन ये थी कि द मेटल में बी डिफाइंड एज एलिमेंट्स विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन्स
क्यू पॉजिटिव आयन, यार ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। मैं क्या बोला था, दानवीर है ये, बिल्कुल डोनेट कर रहा है, तो इसके माथे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा इजिली और रेडिली बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। इसने क्या डोनेट किया था, डोनेट इसने इलेक्ट्रॉन्स किए थे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर ये बिल्कुल हमारा दानवीर बन जाएगा। तो बहुत सारे मेटल्स होते हैं यार, गोल्ड क्या है मेटल्स तुम्हारे पास, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, मर्करी, ठीक है, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये इतने सारे क्या होते हैं हमारे मेटल्स होते हैं, और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं, तुम लोग नाम डिस्क्रिप्शन में बता क्या। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तुम्हारे बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये गोल्ड है, ठीक है, मेरे ये हाथ में ये गोल्ड रिंग, ये कितनी शाइनी है, तुम लोग को दिख रहा होगा, तो ये मतलब हमारे मेटल्स के, दैट मीन्स क्या, हमारे मेटल्स सभी शाइनी होते हैं, मेटल्स में लस्टर होता है, शाइन होती है, और सबसे अच्छा शाइन किस में होता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और प्लेटिनम। तो द मेटल्स आर कंसिस्ट ऑफ शाइनी सर्फेस इन देयर प्योर स्टेट एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। तो आप लोग समझ सकते हो मेटेलिक लस्टर होता है। साथ ही साथ हमारे मेटल ये इतने चमकदार होते हैं, शाइनी होते, ग्लो, निखार, ठीक है। चलिए तो आप लोग को देख सकते हो बहुत सी बार क्या होता है, हमारे कॉपर भी बड़ा शाइनी सा होता है, ब्रॉन्ज बड़ा शाइनी दिख रहा है ये तुम्हें, देखो ये रहा हमारा ब्रॉन्ज, ये बड़ा शाइनी सा दिख रहा है तुम्हें। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करती हूँ कि मेटल्स कैसे होते हैं, बड़ा हार्ड होते हैं हमें। मैं बात करूँ इस रिंग को, कि मैं इस रिंग को इजिली देखो, बताओ बताओ टूट रही है, टूट रही है, ऐसा ऐसा करके देख लेते हैं, नहीं टूट रही, मतलब दे आर हार्ड, बहुत तेज हो रहा है, बहुत ठीक है। मेटल्स कैसे होते, जनरली हार्ड होते हैं, पर जहां जहां केमिस्ट्री होती है उसके पीछे पीछे कौन दौड़ा दौड़ा आता है, एक्सेप्शंस की तो दौड़ होती है। तो यार हमारे सभी मेटल्स कैसे होते हैं, बड़े हार्ड होते हैं, पर देयर आर एक्सेप्शंस, कि कुछ हमारे मेटल्स ऐसे होते हैं कि जिसको हम लोग इतने इतने सॉफ्ट होते हैं कि जिसको हम लोग छुरी से ऐसे कट भी कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। उन मेटल्स का नाम है हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिसको हम छुरी से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करती हूँ मैं, मलिएबिलिटी। मेटल्स कैसे होते हैं कि इनको मैं थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, थिन थिन शीट्स, थिन मतलब पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि तुम लोग ने हमारी फॉइल देखी होगी, एल्यूमिनियम फॉइल, मम्मी जिसमें रोटी पैक करके देती है, तुम लोग टिफिन में रोटी इसमें ले जाते होंगे, या फिर हम लोग जब कहीं बाहर घूमने ट्रेवलिंग में जाते हैं तो मम्मी इसमें खाना पैक करके ले जाती है, बिकॉज इसमें गर्म रहता है। सही पकड़े हैं। तो ये क्या है, हमारी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की थिन शीट है, एल्यूमिनियम की थिन शीट है। तो ये तुम लोग बोल सकते हो कि एल्यूमिनियम फाइल किसका एग्जांपल हो सकता है, हमारी मलिएबिलिटी का। साथ ही साथ तुम लोगों ने देखा होगा कि थिन शीट, और कहां देखिए तुमने, मिठाई पे परत जमी होती है, ऐसी मिठाई दिवाली शिवाली पे आती रहती है हमारे घर पे, है ना। तो ये दिवाली पे तुम लोग मिठाई के ऊपर इस तरीके से हमारी सिल्वर की परत जमी हुई होती है, ठीक है, चांदी की परत जमी हुई होती है। तो यार दीदी पानी आ गया हूं मैं, नहीं इस टाइप से तुम लोग बोल सकते हो कि ये हमारा परफेक्ट एग्जांपल है। और सबसे ज्यादा हमारे कौन सा अच्छा एग्जांपल होता है कि बहुत ज्यादा मलिएबल कौन सा मेटल होता है, तो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, सिल्वर की तुम लोग ने देखा, एल्यूमिनियम फॉइल भी देख लिया सिल्वर में तुमने, साथ ही साथ अभी तुमने मिठाई वाला एग्जांपल भी देखा है, आर मोस्ट मलिएबल मेटल्स। अब नेक्स्ट होता है हमारा डक्टिलिटी, कि हम लोग इसको वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी भी होती है, जैसे हमारे कॉपर के वायर होते हैं, ठीक है, इस टाइप से मेरे पास अगर कोटिंग होती है, जैसे हमारे कॉपर के वायर्स होते हैं और बहुत सारे अलग अलग, तो हमारे मेटल्स बहुत अच्छे से डक्टाइल हो सकते हैं, मतलब थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन इजीली ड्रॉन इनटू अ थिन वायर्स आर नोन एज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में सबसे अच्छा एग्जांपल आता है हमारे गोल्ड का। गोल्ड में देखो, जो गोल्ड हमारा मेटल होता है, ये तो रिंग है, पर कितनी पतली सी गोल्ड की चेन भी हो जाती है, मतलब कितनी पतली हो जाती है। और समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके कान में, मतलब छोटा सा बच्चा है ना, न्यू बॉर्न बेबी, तो उनके कान में कितना पतला सा एकदम झिल्ली जैसे एकदम पतला सा मेटल का एक तार होता है, क्योंकि उनकी यार स्किन बड़ी ही सॉफ्ट होती है, तो वो हर्ट ना हो जाए। तो सबसे अच्छा डक्टिलिटी का एग्जांपल कौन सा मेटल हो सकता है, तो गोल्ड। ये देखो तुम्हारी है ना गोल्ड की चैन है ना, समझ रहे हो, तुम भी ऐसे बचपन में सपने सोचते रहे ऐसे कई जगह से मिल जाए ये है ना गोल्ड वोल्ड की चेन। तो मेटल हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं आप लोग के। साथ ही साथ सोनोरिटी में बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब प्रॉपर्टी है उसकी मेटल की। सोनोरिटी मतलब क्या होता है कि मेटल बहुत ज्यादा आवाज खाने लगते जब एक दूसरे से ऐसे बचते हैं, ठीक है। जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था, जब हमारे स्कूल के मतलब एक पीरियड से दूसरा पीरियड चेंज होता था, या फिर लंच ब्रेक होता था, या छुट्टी होती थी, डिंग 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 इस टाइप से हम लोग को बजा के बताया जाता था। तो मेटल्स बहुत अच्छे तरीके से बजा सकते हैं, सोनोरस होते हैं। अब मैं बात करूं कि आप लोग ने कहां देखा होगा, तो हम लोग जब टेंपल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तब उसमें हम लोग जो बेल को ऐसा प्रेस करते हैं, तब उसमें हमारा इसी तरीके से कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मेटल ये भी मेटल, ये ऑफ कोर्स ये कौन सा मेटल है ये तुम लोग को मुझे कमेंट में बता के जाना है। ओके,
इट्स योर होमवर्क कि जो हम लोग की टेम्पल में जो हम लोग बेल को ऐसे प्रेस करते हैं, हम लोग घंटी बजाते हैं, तो वो कौन सा मेटल होता है। ठीक है, चलिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं हमारे, अभी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखा और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। बट मैंने तुम लोग को बोला था जहां जहां केमिस्ट्री वहां वहां एक्सेप्शन, पीछे पीछे दौड़ा चला आता है ना, क्यों पीछे पीछे डोलते हो भवरों की तरह। वाह क्या सीन है। उसी तरीके से एक्सेप्शन हमारे केमिस्ट्री के पीछे दौड़ा दौड़ा चला आता है, एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी को छोड़कर, बाकी लेड और मरकरी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बाकी सभी मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो आप लोग को याद रखना एक्सेप्शन, आप लोग को सबसे अच्छे से याद रखना। साथ ही साथ क्या कर सकते हो बेटा, पेन और कॉपी उठाओ फटाफट से, एक्सेप्शन जहां जहां आ रहा है, जैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट तुम लोग टॉपिक डाला ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, और एक्सेप्शन इसमें लेड और मरकरी, तो तुम लोग एक्सेप्शन इसमें नोट डाउन करते जाओ फटाफट से। अब बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो यार मेटल को हमने देखा कि मेटल बड़ा हार्ड है, तो मेटल हार्ड है मतलब इसको ये ना दब रहा है ना कुछ हो रहा है, तो सोडियम और लिथियम इन लोग को छोड़कर जो कि हमारे बहुत नाइफ से भी कट जाते हैं, वो एक्सेप्शंस थे ठीक है, उसको उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं ठीक है। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े हाई होते हैं हमारे मेटल्स के, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मैं टंगस्टन, तो ये टंगस्टन तुमने कहां देखा है, कहां सुना है, हमारे घर के चारों तरफ में से कहीं तुम लोग ने देखा होगा, तो ये भी तुम्हें कॉमेंट में मुझे बताना है कि टंगस्टन तुमने कहां देखा है ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, कमेंट में फटाफट बता। अब यहाँ भी तुम लोग को एक्सेप्शन दिखाई देता है कि जिसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, बट मेटल है वो मेटल है ठीक है, वो उनकी ही खानदान के लोग है। अच्छा तो कौन कौन से हो गए, गैलियम और सीजियम हम लोग ने देखा कि जो हमारे मेटल्स है, पर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े ही कम है, कंपेरेटिवली कम बोल सकते हो तुम इनके मेटल्स से। चलिए लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम आ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, तो बड़ी बड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ेंगे, केमिकल लोचे हम लोग को यहाँ पढ़ने हैं ना, एक बड़ी केमिकल्स के साथ अलग ही केमिस्ट्री है, और तुम्हारी केमिस्ट्री को चलक चल रही होती है ना किसी और के साथ। तो चलो यहाँ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करें ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज के हम लोग उसके ऊपर ही बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। तो द रिएक्टिविटी सीरीज इन द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिव नेचर, देखो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उनका एक अलग ग्रुप बना देंगे ठीक है, जो मीडियम रिएक्टिव है उनका एक अलग ग्रुप बना देंगे, और जो बड़ा लो रिएक्टिव है उनका अलग ग्रुप बना देंगे। ऐसा होता है ना हमारी क्लास में कि जो बड़े जो बैक बेंचर्स होता है तो टीचर्स उनको अलग से पहचानते हैं ना, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं सिंसियर बच्चे होते हैं ना, जो टीचर्स की बहुत अच्छे से पूरी पूरी बातें मानते हैं उनका एक अलग ग्रुप बना देता है, और जो मीडियम बच्चे होते हैं ना तो उनकी कैटेगरी में ना बैक बेंचर्स की ना ही बिल्कुल ब्राइट स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं, बड़े सिंसियर स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं उनकी भी कैटेगरी में नहीं है, तो उनको मीडियम में हम लोग डाल देते हैं ठीक है। तो यार देखो स्कूल में क्या होता है, नाम या बदनाम, दो टीचर्स को दो ही बच्चे याद रहते हैं, या तो नाम होना चाहिए या बदनाम, जो ये बीच के होते हैं ये याद नहीं रहते। एक्टिविटी सीरीज तो अब हम लोग ने बात करा कि अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग एक्टिविटी मेटल्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज विच इज शोन अहेड, मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो इसमें आप लोग को सबसे पहले अगर मैं ऐसा बताऊं तो ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है लाइक दिस, तो ये बता रहा है कि आप लोग की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, जिसमें से मैं अगर बात करूं गोल्ड और सिल्वर की तो ये बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल है मेरे, और मैं अगर बात करूं पोटेशियम सोडियम के तो ये बहुत ही ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल है। कैसे रिएक्टिव मेटल है बेटू, हाई। अब इनके बीच में जो भी सारे आते हैं ये हमारे मीडियम रिएक्टिव मेटल के अंदर आते हैं है ना, तो ना तो इधर का ना उधर का, ये बीच का एलिमेंट, बीच का बंदर है ठीक है। बहुत तेज हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर देखो अब मैंने मुझे ना केमिकल लोचेज में बहुत अलग अलग तरीके से बात करना है, अब हम लोग मेटल को बहुत अलग अलग चीजों से रिएक्ट करवा के देख सकते हैं ना, हम लोग बहुत सभी से करके देख सकते हैं कि मेटल सबसे अच्छा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। मेटल को हम लोग एयर से रिएक्ट करवा के देखेंगे, मेटल को हम लोग वाटर से रिएक्ट करवा के देखेंगे। एयर से मेरा मतलब क्या है तुम लोग बताओ, एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है फटाफट ये भी तुम्हें कॉमेंट्स में लिखना है। अरे बच्चा एयर के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है बेटू ऑक्सीजन, तो मेटल को सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के देखेंगे। अगर मैं बोलूं कि मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाता है, तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। मैं अगर बात करूं सीओ के कॉपर ले लो, कॉपर को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर भी क्या हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड इस तरीके से बन जाता है ठीक है। वैसे ही तुम दूसरे मेटल को भी ले सकते हो, Fe ले लो, आयरन ले लो, या किसी और को भी, मेटल को जब तुम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तब हमारा मिलता है मेटल ऑक्साइड। अब बात करते हैं इस मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, तो ये बेसिक होता है हमेशा नेचर में कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड, मैंने बोला था ना क्यों पीछे पीछे डोलते हो भवरों की तरह।
तो यहाँ एक्सेप्शन है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स के ऐसा होते हैं कि जो एसिडिक होते हैं नेचर में, एसिडिक और बेसिक भी हो सकते हैं, और कुछ मेटल ऐसे होते हैं ना जो एसिडिक प्लस बेसिक दोनों है यहाँ नेचर में, ठीक है। तो उसको कैसे बोलते हैं हम, वो बीच के अंदर को हमने नाम रखा गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सच मेटल ऑक्साइड डेट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस, ये दोनों, इनको दोनों लड्डू चाहिए, इनका नेचर एसिड से भी रिएक्ट करवा लो, इनको बेसिक से भी रिएक्ट करवा लो, ठीक है, ये दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, वैसा वाला इनका है, तो ये प्रोडक्ट का हम क्या मिलेंगे बताओ बताओ। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं, अगर सेकंड चैप्टर में तुमने बड़ा रायता फैलाया तो जल्दी से जाओ सकीना दी का लेक्चर देखकर आओ, तुम्हारे हसलर दीदी का, तो बड़ा ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। तो जब हम एक एसिड को बी2 बेस से रिएक्ट करवाते हैं तब हमें प्रोडक्ट में मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ मिलता है। सच मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इस बीच के बंदर का नाम है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसका बहुत सारों का नीचे बेसिक होता है, बहुत सारों का एसिडिक, और जो बेस और एसिड दोनों से रिएक्ट कर सके उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। मेटल ऑक्साइड आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर, बहुत मतलब यार वैसे तो सभी मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं, पर कुछ मेटल ऐसे होते कि जो सोल्यूबल होते हैं, मतलब वो डिसॉल्व हो सकते हैं, और क्या बना लेते हैं, ये अल्कली बना लेते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्साइड, हमने बोला था कि यार बहुत मेटल ऐसा है कि बहुत जो हाईली रिएक्टिव है, कुछ मेटल ऐसे जो मीडियम से रिएक्टिव है, और कुछ ऐसा है जो बड़े लो से रिएक्टिव है। अच्छा है ना, तो अब हमने बोला सोडियम और पोटेशियम, ये हमारी सीरीज में सबसे आगे थे, तुम लोग देख सकते हो ये रही सीरीज, तो ये रहा मेरा सोडियम और ये रहा मेरा पोटेशियम, तो ये बड़े, ये नंबर वन और ये नंबर टू, तो ये बड़े हाईली रिएक्टिव है। तो यार ये इतने हाईली रिएक्टिव है कि अगर तुम ऑक्सीजन को, यार ऑक्सीजन तो हमारी एयर में प्रेजेंट ही होता है, अगर मैं इसको खुला छोड़ देती हूँ, फ्री स्टेट में छोड़ जाती हूँ, तो ये ना इनमें आग लग जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन कैसा है, नॉक नॉक करके भी नहीं आता है, ऑक्सीजन तो जहां कोई मेटल दिखा एकदम चपेट में आ जाता है और ऐसे बूम आग लग जाती है उसमें, पर वो हाईली रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, जैसे सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, तो ये हमारे बड़े हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। कुछ कुछ लोग भी ऐसे रहते हैं कि भैया बस कोई ना कोई मिल जाए हमें, है ना दीदी, सिंगल नहीं रहना, मिंगल होने के लिए कोई ना कोई मिल जाए, और फिर कोई भी मिल जाए वो चीज जाए वो चीज अलग हो जाती है। वैसे ही सोडियम, वैसे ही हमारे ऑक्सीजन का है कि कोई भी मिल जाए, चाहे सोडियम और पोटेशियम, फिर कैसे है बड़े हाईली रिएक्टिव है, तो ये बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, वो न्यूटन का तुम्हें थर्ड लॉ याद आ गया होगा, और ये एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो तुम्हें याद आ चुका होगा। तो सोडियम और पोटेशियम को हम लोग कभी भी बिल्कुल खुला नहीं छोड़ते, नहीं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग फायर हो सकती है, ये विग्रसली बिल्कुल कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे रखते हैं, याद दीदी हम लोग फिर वाटर के साथ रखेंगे, नहीं नहीं ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, तो इसको हम लोग बिल्कुल स्टोर करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में, ऐसे डब्बी में बंद करके रखते हैं कि ये रिएक्ट ना कर सके। बहुत तेज हो रहा है। रूम टेम्परेचर की बात करूं अगर मैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, तो ये हमारी मतलब मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स है, तो इनको क्या कर सकते हैं, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है, पर इनकी जो ऊपर की मतलब जैसे ये हमारी स्किन की ऊपर की सरफेस होती है, अपर सरफेस होती है, तो यही रिएक्टिव होती है, ठीक है, ये रिएक्ट कर लाती है, और अंदर का जो हमारा सरफेस होता है ना, जैसे ये एक बॉल समझ लो, तो इसके ऊपर की सरफेस ही रिएक्ट हो गई हमारी ऑक्सीजन से, और बाकी जो अंदर का सरफेस है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर कवर्ड विद देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड, दे प्रिवेंट देयर फर्दर ऑक्सीडेशन, ये अंदर की चीजें बच गई है, तो ये इसने क्या बोला, दे प्रिवेंट देयर फर्दर ऑक्सीडेशन, तो ये इसके फर्दर ऑक्सीडेशन मतलब अंदर से ही कोरोशन नहीं लगेगा, कोई भी मेटल ले लो, तो ये बाहर से ही सिर्फ कोरोड होगा, अंदर से ही कोरोशन नहीं लगेगा, क्योंकि इसने ऊपर से ही अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर ली है, तो ये अंदर से सेफली है, सेफली प्रेजेंट है। आयरन डजंट बर्न बट फिलिंग डस, आयरन कभी भी मतलब फायर नहीं, इतना ज्यादा वो नहीं होता है कि मतलब हाई रिएक्टिव होता है, पर आयरन रिएक्टिव नहीं होता है इतना जितना आयरन की फीलिंग्स होती है। फीलिंग्स का मतलब क्या, जो आयरन की नेल्स देखिए ना, सर कील आती है और बहुत सारी चीजें, तो उसको बोलते हैं आयरन फीलिंग। कॉपर डज नॉट बर्न बट इट इज कवर्ड इन ऑक्साइड, तो कॉपर भी इतना ज्यादा बर्न नहीं होता क्योंकि मीडियम रिएक्टिव है, पर हाँ ये भी क्या करता है, अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेता है और फर्दर अंदर से बर्न नहीं होता है, अंदर वो सेफ होता है। अगर ऊपर से मैं बोलूं कि ऊपर से सिर्फ कोरोशन हो रहा है और अंदर से वो कोरोड नहीं है। सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो भाई साहब ये कैसे है, एकदम नसूने हैं। नसूने के मतलब का मतलब क्या होता है, हमारे एमपी साइड नसूने का मतलब मेरी मम्मी बोलती रहती है, नसूने मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करते है। तुम लोग एग्जांपल देख सकते हो, यार ये रिंग है, अब ये देखो हमारे एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, तो अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करी होती तो इसमें कुछ ना कुछ तो रिएक्शन दिखती है इस गोल्ड में, पर नहीं दिख रही है, तो मतलब सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर दे दू तब भी। ये किसका फोटो हुआ है, तो ये फोटो हुआ है हमारे यार सोडियम का, ठीक है, ये सोडियम का फोटो हुआ है हमारे।
सही पकड़े हैं। तो सोडियम कैसे अगर हम लोग ऑक्सीजन में रख दे, देखो इसको मैंने बाहर ऑक्सीजन में रख दिया तो इसने कैच कर ली फायर और बहुत ही ज्यादा विग्रेसली ये रिएक्ट करा। एनोडाइजिंग, हम लोग को एनोडाइजिंग पढ़ना है, एनोडाइजिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एनोडाइजिंग मतलब क्या होता है, ये एनोडाइजिंग मतलब ये एनोड पे कुछ कुछ हो रहा होगा, ठीक है। एनोड पे क्या साइन होता है तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि एनोड पे क्या साइन होता है। देखो यार, एक थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज फॉर्म, तो एल्यूमिनियम पर एक थिक ऑक्साइड लेयर मतलब एक ऑक्सीजन की लेयर, एक एल्यूमिनियम है हमारा मेटल जिसके ऊपर ऑक्सीजन की एक ऐसी थिक सी लेयर हमारी फॉर्म हो सकती है, ऐसी ये थिक सी लेयर हमारी ऑक्सीजन की एल्यूमिनियम पर फॉर्म हो सकती है, ठीक है। जिसको बोलते हैं हम लोग एनोडाइजिंग। होता कैसे ये बता दे, मैं बता देती हूँ, चलो मैं तुम लोग को करवा के बताती हूँ। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हमने एक बीकर लिया है, बीकर में मेरे पास डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब ये क्या है, मेरे पास एक एसिड प्रेजेंट है, ये मेरा एक एसिड है। अब इसके अंदर हम लोग ने क्या करा, एल्यूमिनियम को डिप करा है। अब इसमें एक कैथोड फॉर्म है और एक मेरा एनोड साइड है, ये कैथोड साइड है और मेरे एनोड साइड। अब जब मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूंगी, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है जब मैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करूंगी, डिंग 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 डिंग, टाइप से हमने जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी तो बच्चा क्या होगा, देखो जब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी हमारी तो क्या हो जाएगा, जो हमारे ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इसके ऊपर जमा होने चालू हो जाएंगे। किसके ऊपर, हमारे जो एल्यूमिनियम है ना उसके ऊपर इस टाइप से हमारे जमा होने चालू हो जाएंगे। अब ये थिन लेयर है जो एल्यूमिनियम के ऊपर बनेगी। अब ये बोलना है कि एल्यूमिनियम कभी भी कोरोजन नहीं होगा अगर इसके ऊपर हम लोग एक बहुत ही थिक लेयर जमा दे ऑक्साइड के। तो आप लोग थिक लेयर कैसे जमाओगे, देखो यार जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें से प्रोड्यूस होती जा रही है वैसे वैसे ये ऑक्सीजन हमारे एल्यूमिनियम पर चिपकता जा रहा है, समझ रहे हो, समझ रहा हूँ। तो यहाँ तुम्हारा एल्यूमिनियम उसी टाइप से चिपकता जाए, जैसे जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को बहुत देर तक प्रोड्यूस करूँ तो वैसे वैसे बहुत ज्यादा चिपकते चले जाएंगे हमारे एल्यूमिनियम के ऊपर। तो ये एक बहुत ही ज्यादा थिक लेयर जमा हो जाएगी और उसके बाद हमारा एल्यूमिनियम कभी भी कोरोड नहीं हो सकेगा, ठीक है। इस टाइप से बहुत ही थिक लेयर जम जाएगी एंड अपर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी को बहुत देर तक प्रोड्यूस करवाना होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम लोग लिख देते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ समझ में आ चुका होगा। तो ये एनोडाइजिंग, हम लोग ने अभी तक पढ़ा कि हम ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, अब बारी है मेटल्स को रिएक्ट करवाने की हम लोग की वाटर की, ठीक है। अब वाटर के साथ देखते हैं, तो मेटल को, किसी भी मेटल को अगर मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो मेटल ऑक्साइड तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ये रहा मेटल ऑक्साइड तो बनाएगा ही सही, जैसे अभी तक हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था तो मेटल ऑक्साइड बनता था, पर वाटर के साथ रिएक्ट करवाने में हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी होगी ही होगी। अब अगर मैं बोलूं कि मेटल ऑक्साइड को, ये वाला मेटल ऑक्साइड को अगर मैं रिएक्ट करवाऊं वाटर से, मतलब दैट मीन्स H2O से अगर रिएक्ट करवाऊं तो मुझे मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं तभी समझ में आएगा। तो यार अभी ये रहा पोटेशियम और सोडियम, K4 पोटेशियम और ये सोडियम, ये हाईली रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है या फिर लो रिएक्टिव है, फटाफट से विदाउट चीटिंग जल्दी से कॉमेंट्स जाओ और लिखो कि दीदी पोटेशियम और सोडियम कौन सा रिएक्टिव है। अब इसको जब मैंने वाटर से रिएक्ट करवा तो मेरा पोटेशियम ऑक्साइड मिल जाएगी, तो KOH पोटेशियम ऑक्साइड मिली, साथ ही साथ हमने हाइड्रोजन गैसेस में से इवॉल्व हो जाएगी, प्लस हीट भी इवॉल्व होगी ही होगी। अब मैं अगर बात करूं सोडियम की, तो सोडियम को अगर हमने वापस से वाटर में एड करवा जब रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम ऑक्साइड प्लस हमारा हाइड्रोजन वापस से इवॉल्व होगा और उसमें हीट मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर जब हम लोग किसी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे तब कैसा होता है, हमें मिलता है एक हमारा ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, साथ ही साथ हम लोग को मिलता है हाइड्रोजन गैस और कुछ अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम को जब मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरा मुझे मिल जाएगा CaOH2, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लस हम लोग को H2 या मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ मिल जाएगी। तो हमारी बात करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम और आयरन की, तो एल्यूमिनियम और आयरन को वापस से वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें एक ऑक्साइड मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड, तो ये Al2O3 और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। उसी तरीके से लेट्स टॉक अबाउट हमारा आयरन, उसको हम लोग ने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो Fe3O4, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मेटल ऑक्साइड है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे चलते कि हम लोग को रिएक्शन किसके साथ करवाना है। अभी तक हम लोग ने रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई और रिएक्शन हम लोग ने वाटर के साथ कराई, अब हम लोग को इनकी रिएक्शन करवाना एसिड के साथ। एसिड के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई भी एक मेटल ले लिया मैंने, अब तुम लोग को मेटल तो क्लियर हो ही गए होंगे, और मैंने कोई भी एक डाइल्यूट एसिड ले लिया, एसिड यहाँ बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने तुम लोग को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। तो एसिड यहाँ तुम्हारा HCl भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है और H2SO4 भी हो सकता है। तो यहाँ हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और मेटल लिया है मैंने जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ लिया है। जब ये दोनों बिल्कुल हमारे रिएक्ट करेंगे तब हमारे पास बनेगा एक सॉल्ट, तो यहाँ ZnCl2, ये दैट मीन्स ये मेरा एक सॉल्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, H2 जा रहा है, ठीक है।
ठीक है, तो जी मतलब ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब बात करते हैं हम लोग वैसे ही कि किसी मेटल को अगर मैंने डाइल्यूट HNO3, ये भी जो कि मेरा एसिड है, ठीक है, तुम लोग को पता ही है यहाँ सॉल्ट और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिलती है। पर इसके केस में अलग है, जब हम लोग HNO3 से रिएक्ट करवाते तब कुछ अलग लोचा हो रहा है। तो क्या लोचा हो रहा है तुम्हारा देखते हैं। तो यहाँ लोचे बहुत ही ज्यादा अलग अलग है ना, तुम्हारे भी जिंदगी में हमारे कई कम लोचे नहीं होते ना, हमारे तुम पता नहीं क्या क्या लोचे करके बैठे रहते हो ना, किसी किसी से पंगे लेते रहते रहते हो ना, किसी के बंदे ने कुछ कर दिया तुम किसके पीछे भाग रहे हो, बड़े लोचे हैं तुम्हारे भी जीवन में। तो मेटल ने क्या करा, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर लिया, तो इसको सॉल्ट तो मिल ही मिल रहा है, यहाँ हमारे हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रही, हमें वाटर मिल रहा है, क्या बात है, हो क्या रहा है, और NO2, NO और N2 मिल रहा है। देखो HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या हम लोग को पता है, या वी नो व्हेन मोस्ट मेटल रिएक्टिवेटेड हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस। क्यों, इसका आंसर आप लोग को यहाँ मिल जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन गैस को, और यहाँ हम लोग को मिलता है वाटर, और साथ और ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये अपने आप को रिड्यूस करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ये ऑक्साइड N2O हो सकता है, NO हो सकता है, या NO2 हो सकता है, ये रहे आप लोग यहाँ लिखे हुए, तो आप लोग चिंता मत करिए कि दीदी की राइटिंग बहुत खूबसूरत है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम एक्वारीजिया की। बहुत सी बार क्या होता है कि हमारा ये जो गोल्ड है, जैसे मेरे हाथ में ये वाली रिंग अभी 1.5 साल से है, मैंने ये रिंग को 1.5 साल पहले खरीदा था। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास कोई गोल्ड ऐसा होता है, या सिल्वर या प्लेटिनम कुछ ऐसा, गोल्ड की बात करते हैं कि गोल्ड है, बहुत सी बार बहुत लॉन्ग टाइम तक होता है गोल्ड, हम लोग ज्यादा बेचते करते नहीं है ना कि आज लिया कल बेच दिया, ऐसा नहीं होता। सही पकड़े हैं। तो समटाइम्स हमारे पास 10 ईयर्स हो चुके होते हैं, 7 ईयर्स हो चुके होते हैं, या 15 ईयर्स हो चुके होते हैं, तो गोल्ड की हल्की सी शाइनिंग कम होने लग जाती है उसकी ना, थोड़ा सा हल्का सा मैंने बोला हल्का सा डल होने लग जाता है, उसके प्रीवियस वाली स्टेटस है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुनार के यहाँ जाते हैं ना, सोनी के यहाँ जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, एक का सोल्यूशन होता है उसमें डिप करते हैं इस वाली इसको गोल्ड को, और ये बड़ा शाइनी लगने लग जाता है, चमत्कार जैसे शाइनी लगने लग जाता है, तो वो क्या होता है, और दैट इज एक्वारीजिया। ठीक है, वो एक्वारीजिया क्या होता है कि ये एक मिक्सचर होता है, एक फ्रेश मिक्सचर होता है जिसमें HNO3 साथ ही साथ हमारे कंसेंट्रेटेड HCl और कंसेंट्रेटेड NO3 का एक मिक्सचर होता है। कंसेंट्रेटेड HNO3 और कंसेंट्रेटेड HCl किस रेशियो में होना चाहिए, एक्वारीजिया में 3:1 के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो इस अगर तुम लोग बोलोगे कि दीदी अगर मैं अकेले बात करूं कि अकेले HNO3 के सॉल्यूशन में गोल्ड को डाल दोगे तो शाइनिंग होगा, नहीं, या फिर तुम कंसेंट्रेटेड HCl के सॉल्यूशन में गोल्ड को डाल दोगे तो वो बिल्कुल शाइनिंग होगा, बिल्कुल भी नहीं, उनका रेशियो दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, और वो भी इस रेशियो में 3:1 के रेशियो में आप लोग का होना चाहिए, तभी जाके वो गोल्ड बड़ा शाइनी सा हो जाता है। अब तुमने इसके पीछे का रीजन सोचा है कि ये गोल्ड इतना शाइनी क्यों हो जाता है, क्योंकि इस गोल्ड में क्या होता है बच्चा, जैसे ही हम लोग इस गोल्ड को एक्वारीजिया में डिप करने जाते हैं तो इसकी एक जो ऊपर की लेयर होती है ना, वो एक्वारीजिया खींच लेता है अपने अंदर। ठीक है, एक्वारीजिया में डिसॉल्व हो जाती है, तो ये गोल्ड बड़ा शाइनी हो जाता है, मतलब इसके अंदर की जो लेयर है वो ऊपर आ जाएगी, तो बिल्कुल शाइनी हो जाता है। तो बहुत ही बार इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग गोल्ड जब चेक करवाने जाते हैं या देने जाते हैं, बेचने जाते हैं, तो क्या करते हैं, सोनी सुनार उनार बहुत सारे सोनी लोग बड़े चंट रहते हैं, हमारे गोल्ड को एक्वारीजिया में डाल के खींच लेते हैं। तो हम लोग बोलते ना, ये तुम्हारे पापा ये लोग बोलते होंगे घर में, या मम्मी से पूछना कि मम्मी हम बोलते ना कि यार सुनार क्या अगर सोना हम लोग रख के आए तो हम लोग वेट तुलवा के रख के आते हैं यार ये कितना वेट था, नहीं तो ये लोग क्या करते हैं एक्वारीजिया में डाल के हमारा बहुत सारा सोना खींच लेते हैं। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन आज से तुम घर पे मम्मी को बता देना कि मम्मी वो सॉल्यूशन से जो सोना खींचते हैं ना, वो सॉल्यूशन का नाम है एक्वारीजिया, जिसमें हमारे कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हमारा प्रेजेंट होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। Now let's talk about reaction of metal with solution of other metal salt. अब हम एक मेटल को रिएक्ट करवा रहे दूसरे मेटल के सॉल्ट से। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो हमने एक मेटल लिया, ए मेटल है मेरे पास, सॉल्यूशन सॉल्ट है मेरा बी। ठीक है, तो मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा ए, और यहाँ मेरा मेटल बी मिल जाएगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग ने लिया हमने कॉपर, कॉपर को हमने जब रिएक्ट करवाया AgNO3 के साथ, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अगर देखेंगे तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, हमारा कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या फिर ये Ag ज्यादा रिएक्टिव है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर। ठीक है, तो अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो AgNO3 का पूरा नाम हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट। तो अब यार तुम रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखोगे तो यार कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ कॉपर बिल्कुल NO3 की बंदी को भगा के ले चुका है, जा चुका है, और यहाँ बन गया है हमारा CuNO3 ट्वाइस। अगर यहाँ Ag ज्यादा बिल्कुल अगर होता, ज्यादा रिएक्टिव होता, तो फिर ये भगा के ले जा ही नहीं सकता था कॉपर,
पर खैर यहाँ क्या बेटा लास्ट यहाँ कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ज्यादा नेम ज्यादा फेम होगा ज्यादा सुंदर होगा दिखने में ज्यादा हैंडसम होगा तो ये एजी की बंदे को भगा के ले चुका है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और ये एजी अब हमारा सिंगल हो चुका है बेचारा ये सिंगल बाहर निकल चुका है। पहले इसके पास NO3 था और जब प्रोडक्ट फॉर्म में अब हम लोग साइड पर आए तो CU के पास NO3 है और एजी अकेला हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा ये हम लोग ने कैसे सोचा कि ये CU कैसे NO3 को ले जा सकता है, मैंने बोला ताकतवर होगा तो ये ताकतवर तुम लोग को मैंने इससे पहले वाले तुम लोग कभी भी रिएक्टिविटी सीरीज देख लेना कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। चलिए हमने मेटल की तो बहुत ज्यादा तारीफ कर ली कि मेटल ये होता है मेटल वो होता है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है केमिकल में हम लोग इसे इस तरीके से रिएक्ट करवाते हैं। अब हम लोग चलते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। तो मेटल को हम लोग ने जिस तरीके से दानवीर का नाम दिया था वैसे ही नॉन मेटल बहुत ज्यादा भिखारी है। ठीक है ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन मांगता ही जाता है एक्सेप्ट करते ही जाता है ये जहां से इलेक्ट्रॉन मिलता है वहां से लेता जाता है इधर से मिल रहा है इधर से ले लो उधर से मिल रहा है उधर से ले लो तो ये बहुत ज्यादा भिखारी का नाम इसको दिया जाएगा। जहां से मिलता है वहां से ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही तरह से भीख मांगता जाता है और लेता ही रहता है देने का कुछ काम नहीं है इसीलिए इस पर नेगेटिव साइन आता है क्योंकि ये बड़ा भिखारी है। अच्छा काम थोड़ी भीख मांगना है ना। शाबाश बेटा बहुत तो ये नेगेटिव साइन आता है इस पर। अब देखो यार सीधी सी बात है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स ये लेते ही जा रहा है लेते ही जा रहा है तो इसके पास नेगेटिव साइन बढ़ जाएगा ना तो इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ रहा है। ओके अब हम लोग डेफिनेशन पे आ जाते हैं। द नॉन मेटल्स मे बी डिफाइंड एज एन एलिमेंट्स व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस और द आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है तो ये क्या कर रहा है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो इनके ऊपर कैसा आ जाएगा ये नेगेटिव आयंस बना लेगा या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है चलिए अब एग्जांपल्स की बात करो तो मैं हम लोग ने मैंने तुम लोग को बहुत सारे नॉन मेटल्स बताए थे क्लोरीन हो गया हाइड्रोजन हो गया आयोडीन हो गया सल्फर हो गया और बहुत सारे हमारे नॉन मेटल्स हमारे होते रहते हैं। नॉन मेटल्स की भी वैसे ही हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते बड़ी आसान सी फिजिकल प्रॉपर्टी थे। अगर तुम लोग को मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज याद हो चुकी है तो बस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में तुम्हें नॉट 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 और नॉट लगाते जाना है। जैसे वो लस्टर था मतलब हमारे सभी मेटल्स बड़े शाइनी शाइनी होते चमक होती है तो नॉन मेटल्स में कोई चमक नहीं होती कहाँ से चमक होगी। तो यार तुम लोग देख सकते हो द नॉन मेटल्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ शाइनी सरफेस एंड द शोज नाउ लस्टरस प्रॉपर्टी जिसमें शाइन भी नहीं होती है। आप लोग पर यहाँ मैंने क्या बोला था जहाँ केमिस्ट्री है वहाँ पीछे पीछे एक्सेप्शन उसके पीछे पीछे चला ही आता है। बहुत तेज हो रहा है। तो एक्सेप्शन में कौन है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को देखोगे तुम लोग कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। डायमंड और ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है क्योंकि डायमंड बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है बहुत शाइनी होता है और तुम ग्रेफाइट की भी बात करोगे तो ग्रेफाइट में भी हमारी चमक होती है। ग्रेफाइट तुमने कहाँ देखा है ये तुम लोग मुझे कॉमेंट में जरूर बताओगे तुम खुद ही उस चीज को यूज करते हो और ग्रेफाइट कहाँ दिखा है तो तुम मुझे कॉमेंट में बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं हार्डनेस की बात करूँ तो यार सभी मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं तो नॉन मेटल्स क्या होंगे हार्ड नहीं होंगे तो मोस्ट ऑफ देम नॉन मेटल्स शोज सॉफ्ट नेचर तो ये हार्ड भी नहीं होते पर एक्सेप्शन यहाँ भी है। डायमंड एक ऐसा एक्सेप्शन है कि डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है तो उसको हम लोग मतलब बहुत सॉफ्ट नहीं होता है बहुत कड़क होता है डायमंड को अगर वैसे तो देखा नहीं है सबने पिक्चर्स में ही देखा है। ठीक है मलिबिलिटी की बात करो तो ये थिन शीट्स नहीं बनाते नॉन मेटल्स। ठीक है और साथ ही साथ डक्टिलिटी की बात करो तो ये इजीली हमारे थिन वायर्स में भी नहीं कन्वर्ट होते तो नॉन मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते। पर अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूँ तो सभी नॉन मेटल्स बिल्कुल हमारे हीट नहीं प्रोड्यूस करते हैं पर अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूँ तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये हीट का भी गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है ग्रेफाइट। बाकी सभी नॉन मेटल्स हमारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो सभी के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं पर यहाँ भी एक्सेप्शन है। यहाँ अगर बात करूँ हम लोग इन केस जो हमारे बोरॉन सिलिकॉन और कार्बन की बात करते हैं तो दे आर सॉलिड इन नेचर ये बड़े सॉलिड है नेचर में हमारे और साथ ही साथ इनके मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली हाई होते हैं हमारे नॉन मेटल से। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ब्रिटलनेस मतलब ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं इसको हथौड़ा मारो तो ये टूट सकता है। ठीक है नॉन मेटल से शोज ब्रिटल नेचर सल्फर शोज ब्रिटल बिहेवियर वेन हैमर्ड मतलब अगर मैं हथौड़ा मारूँ उसको जोर जोर से बट तो वो क्या कर सकता है पीसेस में टूट सकता है। ठीक है ये तुम लोग को ऐसे कुश्ती वो तुम जब हरकतें उल्टी पटकते हो तो मम्मी पापा के थ्रू तुम लोग को ऐसे डिशुम पड़ती है। ठीक है
केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो क्योंकि नॉन मेटल्स की ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉन मेटल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, मैंने बोला था ना ये क्या होता है, भिखारी होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, विच लीड्स टू एनायन फॉर्मेशन, एनायन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, तो ये भैया ना तो वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है, ना ही ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, डाइल्यूट एसिड ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, ना तो वाटर ना ही डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो नॉन मेटल किससे रिएक्ट करता है, कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट करता है यार, तो कौन सा कंसंट्रेटेड एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा जिसको बोलते हैं H2SO4, तो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ जब हमने नॉन मेटल को रिएक्ट करवाया तो ये हमारा बना के देगा सॉल्ट ऑक्साइड। तो देखो यहाँ सल्फर को जब मैंने कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, मतलब सल्फर प्लस H2SO4 को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ मेरे सल्फर की ऑक्साइड बन जाएगी SO2 प्लस यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, वाटर यहाँ निकल रहा है। तो तुम किसी भी नॉन मेटल को जब हमारी कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हमारी ये क्या हो जाएगी, सॉल्ट की ऑक्साइड बन जाएगी। तो ये सल्फर ऑक्साइड जो है ये क्या है, सॉल्ट ऑक्साइड है ये। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया हो। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स और मेटल्स जब मिलते हैं आपस में, ठीक है, यहाँ इनका मिलाप हो रहा है तो ये किस तरीके, किस टाइप का बॉन्ड बनता है, तो इनके बीच में बनता है मेटलिक बॉन्ड। अब मैं बोल दूँ कि अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स मिल रहे तो यहाँ कैसा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ बन रहा है हमारा आयनिक बॉन्ड, और यहाँ नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलते हैं जब बनता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे तुम भी किसी से मिलते हो, पता नहीं क्या क्या बहुत अलग अलग बॉन्ड बनते हैं ना सभी के साथ, दोस्तों के साथ अलग, उसके साथ अलग, मम्मी पापा के साथ अलग, सभी के साथ तुम्हारे बॉन्ड बड़े अलग अलग होते हैं। तो समझ रहे हो, समझ रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। यार सीधी सी बात है, जब एक मेटल को मैं नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवा दूंगी तब क्या होगा, देखो एक मेटल जो कि हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, देखो जो मेटल है वो पॉजिटिव आयन है हमारा, और जो नॉन मेटल है वो नेगेटिव आयन है हमारा। सीधी सी बातें पढ़कर आ रहे, इनको जब हम लोग आपस में रिएक्ट करवा देंगे तो बड़ी अच्छी रिएक्शन होगी, इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, पर उससे पहले ये थ्योरी थोड़ी सी रीड कर लेते हैं। वी नो मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन्स टू मेक अ पॉजिटिव आयन, तुम लोग को पता है मेटल कैसा होता है, दानवीर होता है, बताया था अभी मैंने, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सिमिलरली नॉन मेटल्स के ऊपर कैसा होता है, हमारा नेगेटिव आयन होता है, मतलब एनायन होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें किस किस के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ये केमिकल बॉन्ड बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब यार क्या करते हैं, देखो मेटल क्या कर रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, और नॉन मेटल क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कुछ और चीजें मत समझो तुम, ठीक है। अच्छा, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, तो ले कौन रहा है, नॉन मेटल्स लेंगे, और दे कौन रहा है, मेटल्स दे रहा है, ये नॉन मेटल्स है और ये मेटल्स है, ये देता है और ये लेते जाता है, लेते जाता है, लेते जाता है, इस टाइप से हमारा लेन देन हो रहा है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ देखें तो एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले देखती हूँ Na जो कि हमारा सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम देखोगे तो 2.8.1 होता है। वैसे ही मैं अगर बात करूं, इसको अपने आप को क्या करना है, इसको अपने आप को स्टेबल बनाना है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास यार एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये 2.8 में जब आएगा तो ये स्टेबल बन जाएगा। बोलो अच्छा पार्टी, तो ये दीदी ये स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तब इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी ने किसी को देना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, नॉन मेटल्स को ऑफकोर्स। तो यहाँ Cl क्या है, नेगेटिव, Cl के ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, तो क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। अब Cl का तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखो 2.8.7, तो जब तुम लोग देख रहे हो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2.8.7, तो यहाँ अगर ये इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन हो जाता तो ये हो जाता है 2.8.8, ठीक है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन किससे ले सकता है, मेटल से, तो यहाँ मेटल तो देने के लिए तैयार ही बैठा है, बेचारा दानवीर इंसान है, तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, Na+Cl-। इसने क्या करा, दान करा, तो ये दानवीर बन गया, ठीक है, और ये बिल्कुल हमारा भिखारी है जो उसने बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स को मांगता रहता है लाइक दिस, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम लोग ने जोड़ दिया, इनके बीच में एक रिएक्शन करवा दी, तो इसके बीच का जो ये बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बेटू आयनिक बॉन्ड, ठीक है।
जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा वो होगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एनएक के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और सीएल के पास उसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, देखो 2.8.7। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2.8.8, ठीक है। उसी तरीके से ये जैसे NaCl बनता है MgCl2 क्यों बनता है दीदी, Mg भी तो Cl बन सकता है, चलो उसकी कहानी डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो Mg के पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखते हैं 2.8.2, मतलब ये स्टेबल कौन से स्टेट में होगा 2.8 में, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो ये बोलेगा कि यार मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर दूं, नॉन मेटल को कंप्लीटली, ठीक है, करेक्ट। तो ये नॉन मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली डोनेट कर देगा। पर अगर हम क्लोरीन की बात करें जो कि हमारा नॉन मेटल है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2.8.7। अब अगर ये वाला 8 हो जाएगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, तो मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। पर यार मेटल को तो 2 इलेक्ट्रॉन देना है उसको स्टेबल करने के लिए, तो अब क्या करें दीदी, चलो कुछ ना कुछ करते हैं। तो अब आप ने क्या करा कि ये Mg है, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन से देने के लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हमने यहाँ एक क्लोरीन के जगह 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो एक देखो यार, दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को एक एक की जरूरत पड़ेगी, अगर दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया तो उसका भी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये Mg ये वाला हमने बना देते, ये Mg, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हैप्पी, स्टेबल हो जाएगा ये वाला भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना एक के साथ दो दो चलाते हैं, वैसा ही इसका सिनेरियो है। Mg ने एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया और इस Mg ने एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे दिया, तो दोनों Cl के मॉलिक्यूल्स खुश हो गए। तो ये Mg क्या कर रहा है, दोनों मॉलिक्यूल्स को अपने एक एक इलेक्ट्रॉन बांट रहा है और दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल हमारे क्या हो जाएंगे, ये 7 से 8 हो जाएगा और ये भी 7 से 8 हो जाएगा, मतलब वो लोग भी अपने पूरी फुलफिल स्टेट में आ जाएंगे। और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, V2 आयनिक बॉन्ड बन रहा है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड की हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इसकी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है। कि आयनिक बॉन्ड सॉलिड होता है, साथ ही साथ एक हार्ड होता है। आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं यार, हार्ड होते तभी इतनी आसानी से टूटते नहीं, है ना, अंबुजा सीमेंट बिल्कुल टूटेगा नहीं। शाबाश बेटा, साथ ही साथ ये ब्रिटल होती नेचर में, कि अगर मैं हथौड़े से तोड़ूँ तो इसको टूट जाएगा। मार पड़ती है तो मम्मी पापा की अगर डांट और मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे आयरिक बॉन्ड का भी, वैसे बहुत दिन में प्यार है पर जब मम्मी पापा की एक्सटर्नल मार पड़ी तो ये ब्रेक हो गए, ठीक। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े ही जनरली हाई होते हैं, पर यहाँ हम लोग को, मैंने बोला ना इनका बॉन्ड कैसा है, बड़ा बहुत प्यार है इसमें, इनका आयनिक बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो मतलब अगर हमें इसको ब्रेक करवाना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उनको ब्रेक करवाने के लिए। तो यही लिखा है, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। सॉल्युबिलिटी की बात करती हूँ, तो मैं अगर ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, कौन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बच्चा आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। और ये इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स में, सॉल्वेंट्स बोले तो हम लोग जैसे केरोसिन हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, तो इनमें इन सारी चीज़ों में ही इनसॉल्युबल होते हैं। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या हमारे आयनिक बॉन्ड का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाते हैं, तो यार जो सॉलिड होते हैं ना, जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड होते हैं वो यहाँ बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाते। मोल्टन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, मोल्टन स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाते। क्यों यार, मोल्टन है मतलब हम उसको पिघला रहे, हीट देके उसको थोड़ा सा पिघला रहे, तो जैसे ही हम लोग पिघलाएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, उसके आयन्स कैसे हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और फ्री होने पर वो दौड़ने लग जाएंगे इधर से उधर, ऐसा ऐसा ब्रेक डांस करने लग जाएंगे, और जैसे ही वो ब्रेक डांस करेंगे तो बिल्कुल वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सब बात करते हैं हम लोग को मेटल्स कहाँ से मिले, अक्योरेंस ऑफ मेटल्स की, कि कहाँ कहाँ से हम लोग मेटल को खोजबीन करके लाए हैं। कुछ कुछ मेटल्स तो ऐसे होंगे कि जो हम लोग को सी में से मिले होंगे, सी वाटर में से, और
कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो हमें अर्थ की क्रस्ट में से मिले होंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्र का पानी बड़ा खारा होता है, तो समुद्र के पानी में से ही हम लोग को क्या मिलता है, हमारा कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl हम लोग को वहीं से मिलता है। वैसे ही बहुत सारे मेटल्स हम लोग के अर्थ की क्रस्ट में से भी मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें अर्थ की क्रस्ट में से कौन कौन से मेटल्स मिलते हैं, अर्थ की क्रस्ट में से हमें कौन कौन से मेटल्स मिलते हैं और किस किस को हम मिनरल्स कहते हैं, हम लोग वो जान लेते हैं। तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अक्योर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ठीक है, जो ऐसे कोई एलिमेंट और ऐसे कंपाउंड जो कि हमें अर्थ में नेचुरली तरीके से प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं हम मिनरल्स। ठीक है, अब हम लोग के बाद क्या होता है कि हम लोग के पास कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में हमारे पास एक मेटल प्रेजेंट है। इस मेटल को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे बहुत सारी लंबी प्रोसेस लगेगी उसको निकालने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और उसके बावजूद क्योंकि यार प्रोसेस लगेगी, बहुत सारी मशीन्स लगेगी, मशीनों के कुछ पैसे हमें देने पड़ेंगे, उसके बावजूद भी अगर उसमें से इस सब्सटेंस में से इस मेटल को, कोई पर्टिकुलर मेटल को मैं प्रॉफिटेबली निकाल रही हूँ, प्रॉफिटेबली से मेरा ये मतलब है कि उसको बाद में निकालने के बाद मेरा कुछ फायदा हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओर्स। ठीक है, एट सम प्लेसेस कंटेन अ हाई परसेंटेज, मतलब बहुत एक ये सब्सटेंस है इसमें बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज में कोई मेटल प्रेजेंट है, तभी तो मैं उसको निकालूंगी ना। नहीं तो यार मानो कि मैंने बहुत सारी प्रोसेस लगा दी इस पर, बहुत सारी मशीन से इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया इस मेटल को निकालने के बाद, और उस मेटल को ज़्यादा कुछ मुझे दे नहीं पा रहा है, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, तो फिर वो तो मेरा ही लॉस है ना। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्लेसेस पे जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेटल कंटेन करते हैं एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, और बहुत प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस मेटल को, हम उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस मिनरल्स को हम बोलते हैं या ओर्स। ठीक है, ओर्स मिनरल्स क्या होता है कि जो तुम लोग को मिनरल्स और ओर्स में समझ में आ गया, मिनरल्स क्या होता है जो हम लोग को बहुत नेचुरल तरीके से मिलते हैं, कोई भी एक एलिमेंट हो गया, कोई भी कंपाउंड हो गया जो नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में से मिल जाएगा वो होता है मिनरल्स। ओर्स क्या होता है कि उसी मिनरल में से हम लोग प्रॉफिटेबली किसी मेटल को निकाल लिया है तो वो हो गया हमारा ओर्स। ठीक है, अब बात करते हैं ये अर्थ की क्रस्ट है जो तुम लोग को बड़ी प्यारी तरीके से दिखाई दे रही है। यहाँ हम लोग बात करते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स किस किस टाइप से हो सकता है। देखो यार बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं या ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो फ्री स्टेट में अवेलेबल हो, फ्री स्टेट मतलब जो अपने ही प्योर स्टेट में हो और बाहर मतलब खुले में अवेलेबल हो। ठीक है, खुले में शौच करना मना है, ठीक है याद रखना। तो खुले में अवेलेबल हो तो वो होता है उसका फ्री स्टेट। कुछ ऐसे होते हैं कि जो किसी से रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड बना लेते हैं, सल्फाइड्स बना लेते हैं और कार्बोनेट्स बना लेते हैं। ऑक्साइड का मतलब अच्छा तुम लोग को पता चल गया होगा, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब वो ऑक्साइड बनाता है, जब भी कोई सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सल्फाइड्स बना लेगा, और जब भी कोई मेटल कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कार्बोनेट्स बना लेगा। तो यहाँ तुम लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स तो पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं लिख देती हूँ। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में तुम लोग देख सकते हो कि किस टाइप से एक्सट्रैक्ट होता है। ये हम लोग को अर्थ की क्रस्ट में से ये ओर मिली है। ठीक है, अब इसको प्यूरीफाई करने के लिए मैंने क्या बोला था, बहुत सारी प्रोसेस लगेगी। इसको प्यूरीफाई करने के लिए हम मेटल कंपाउंड और फिर उसमें से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लोग सारी चीज़ें डीप में पढ़ने वाले। तो यहाँ मैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में तुम लोग को सबसे पहले एलिमेंट्स की और हमारे मेटल्स की सीरीज में तुम लोग को बताना चाहती हूँ। यहाँ कुछ मैंने आप लोग को बोला था, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मीडियम में रिएक्टिव होते हैं और कुछ होते हैं हमारे जो लो रिएक्टिव होते हैं। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो क्या फ्री स्टेट में हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकते दीदी। अगर वो फ्री स्टेट में होंगे, जैसे मैंने पोटेशियम और सोडियम का एग्जांपल लिया था, और अगर इसको मैं फ्री स्टेट में रख दूं तो ऑक्सीजन के साथ ये फटाक से रिएक्ट कर लेंगे ना, कुंडी मत खड़का और आ जाए ना, ये तो कुंडी भी खड़का के नहीं आते हैं। रुको जरा, सबर करो, ये तो बिल्कुल बिना पूछे ही रिएक्ट कर लेते हैं, ये पूछते भी नहीं है कि क्या हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं, परमिशन भी लेने का काम इनके पास नहीं है। तो यार ये फ्री स्टेट में नहीं हो सकते। कौन कौन से ऐसे मेटल्स होंगे, जैसे हमारे KNaCAMg और Al मतलब एल्यूमिनियम, तो ये कुछ हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे और ये नेवर फाउंड इन नेचर एज अ फ्री एलिमेंट। अब हम लोग कुछ मीडियम रिएक्टिव पर चलते हैं, जैसे हो गया हमारे जिंक, ठीक है, आयरन, लेड और कॉपर, ये कुछ हमारे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब ये किस फॉर्म में हम लोग को पाए जाते हैं, ये हम लोग को ऑक्साइड के फॉर्म में मतलब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं, ये सल्फाइड्स के फॉर्म में मतलब ये सल्फर से रिएक्ट कर लेते हैं, और ये हम लोग को कार्बोनेट्स के फॉर्म में मतलब ये कार्बन से रिएक्ट कर लेते हैं। तो ये हमको इस फॉर्म में पाए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ Ag और Au की, मतलब सिल्वर और गोल्ड की। अब ये बहुत ही ज़्यादा लो रिएक्टिव मेटल है, तो क्या ये फ्री स्टेट में पाए जा सकते हैं? ऑफकोर्स तुम लोग की ये एग्जाम्पल दिख रहा है ना, ये गोल्ड है बच्चा, इसको ये फ्री
स्टेट में ही तो है, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ एटमोसफेयर में प्रेजेंट होगी, तब भी ये क्या है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, तो इसको ऐसे मेटल्स को हम लोग फ्री स्टेट में रख सकते हैं। तो तुम लोग को तीनों चीज़ें आई होप समझ में आ गई होगी। अब मैं अगर बात करती हूँ, यहाँ तुम लोग ये सबसे आखिरी में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वाले को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हाई रिएक्टिव की बात करते हैं, चलो हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं और लास्ट में हम लोग उस टेबल को डिस्कस करें। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जब भी हम लोग मेटल को अर्थ क्रस्ट में से हम लोग जब भी निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें यार बहुत सारी इंप्योरिटीज भी तो दीदी प्रेजेंट होगी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर समुद्र में से हमने नमक निकाले तो उसमें कितनी सारी इंप्योरिटीज होगी ना, उसको रिफाइन किया जाता है तभी हम लोग के घरों में आता है। सेम इसी तरीके से हम लोग जब अर्थ क्रस्ट में से मेटल को निकाल रहे हैं तो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज यहाँ प्रेजेंट होगी, और इसी इंप्योरिटीज को हम लोग यहाँ बोलते हैं गैंग। हाँ कुछ अलग सा है, अब इसको गंगू मत पढ़ लेना तुम, तुम इसका मतलब होता है गैंग। ठीक है, दिस इंप्योरिटी शुड बी रिमूव टू गेट अ प्योर मेटल। अभी इस इंप्योरिटी को या उस मेटल को हम लोग को सबसे पहले उस इंप्योरिटी को निकालने के लिए उसको धोना पड़ता है, मतलब उसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें हमारी लगती हैं। दिस इंप्योरिटी शुड बी रिमूव टू गेट अ प्योर मेटल, उसको निकालना पड़ता है उस इंप्योरिटीज को। कैसे निकाल सकते हो, हम लोग धो सकते हैं ना मेटल को। विच इन्वॉल्व द प्रोसेस बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग। तो यार उसमें अब कौन कौन सी इंप्योरिटीज किस किस तरीके से निकलेगी, ये तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ही हमें बता सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की। तो हम लोग बात करते हैं एक्सट्रैक्शन की, कि हम लोग मेटल्स को किसी तरीके से निकाल सकते हैं हमारी ओर से। तो सबसे पहले हम लोग लो रिएक्टिविटी की बात करते हैं। जब हम लोग ने मरकरी को निकाला तो मरकरी सल्फाइड के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, और वो किस फॉर्म में आ जाएगा, मरकरी ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगी। देखो ये HgO के फॉर्म में आएगा। अब क्या करेंगे, हम इसका रिडक्शन करवा रहे, मतलब इसको हीट दे रहे, और जब इसका रिडक्शन होगा तब हम लोग को प्योर मरकरी यहाँ मिल जाएगी। तो वैसे ही हम लोग किसी भी मेटल या एक्सट्रैक्शन आप लोग का करवा सकते हैं, जैसे हम लोग ने अभी मरकरी का करवा। सिमिलरली अगर कॉपर की बात करूं तो कॉपर ये सल्फाइड की फॉर्म में मेरे पास प्रेजेंट है, कॉपर सल्फाइड या Cu2S प्रेजेंट है। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊंगी, इसको ऑक्साइड बनाऊंगी। ठीक है, ये जैसे ही ऑक्साइड बन रहा है, और इस ऑक्साइड बनने के बाद इसके ऊपर हम लोग रिडक्शन लगाएंगे, मतलब यहाँ तुम लोग हीट लिख लेना बेटू। इसको हीट देने के बाद, इसका रिडक्शन करवाने के बाद, ये हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है। ये मेरा हो गया प्योर कॉपर। ठीक है, तो मेरे पास ये प्योर मेटल आ चुका है। तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास प्योर मेटल आ चुका है। अब वैसे ही मैं बात करूँ, देखो जब भी हम किसी को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। आगे हम लोग को पढ़ना है वैसे तो रोस्टिंग। ठीक है, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए थी ये वाली चीज़ें। तो ये मतलब लो रिएक्टिविटी वाले कौन से मेटल्स हो गए, Ag और Au, ये दो मेटल्स हमारे लो रिएक्टिविटी थे। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स। अब रोस्टिंग क्या होता है, देखो जो ऐसी प्रोसेस जो कि हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जो कि हमारे ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैल्सिनेशन। तो देखो हम लोग कभी भी, देखो ये मेरे पास जिंक सल्फाइड है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाती हूँ, इसको मतलब इसको मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करवा रही हूँ। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो ये जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में चला गया। अब इस जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करवाने के लिए हीट प्रोड्यूस करते हैं और इसका रिडक्शन कर लेते हैं, तो ये जिंक के फॉर्म में मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड जिंक के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, okay. अब मैं तुम लोग को कैल्सिनेशन का बता देती हूँ। तो देखो कैल्सिनेशन में क्या हुआ, जब मैं ZnCO थी तब मेरे को इसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही इसमें से निकालना है, ये कैल्सिनेशन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको रिएक्ट ही नहीं करवाएंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग ने एरो लगाया और ZnO लिख दिया और CO2। आज तक तो हमें जिंक ऑक्साइड मिल चुका है, इस जिंक ऑक्साइड में से वापस मैं जिंक को कैसे निकाल सकती हूँ। तो बच्चों देखो इस जिंक ऑक्साइड में से हम लोग ने क्या करा, कैल्सिनेशन करा और जिंक यहाँ मिल गया है। तो हम लोग को ये याद रखना है, हम लोग को रोस्टिंग में, रोस्टिंग क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जो कि हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही हूँ, और कैल्सिनेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसको हम लोग ऑक्सीजन की एब्सेंस में करवाते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस इन विच कंसेंट्रेटेड ओर्स आर हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सेस एयर, मतलब एक्सेस एयर का मतलब इसका ऑक्सीजन ही है, O2 मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये हम लोग को ये वाली प्रोसेस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन किसके लिए करवाते हैं, हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल। हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसा होता है, तो उनको कैसे करवाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट
एनआईटी के रिडक्शन करवाते, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम लोग को कैसे करवाएंगे? जैसे तुम लोग को पता है कि NaCl का मेरे पास कंपाउंड है, तो ये किस टाइप से टूटता है? Na प्लस और Cl माइनस में आप लोग का टूट जाएगा। तुम लोग इजीली देख सकते हो बच्चों के मेटल विल प्रोड्यूस कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, और साथ ही साथ आप लोग का एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आप लोग का प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवा रहे हैं, मतलब आप लोग का एक कैथोड है और यहाँ एक आप लोग का एनोड प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि जो हमारा पॉजिटिव आयन होगा वो किसकी तरफ चला जाएगा? ये जैसे CO2 पॉजिटिव है तो ये हमारा कैथोड की तरफ जा रहा है, ये भी CO2 पॉजिटिव है तो ये हमारे कैथोड की तरफ यहाँ चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो जाएगा हमारे, और यहाँ से हमें प्योर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो रहा है ये, ठीक है, और यहाँ से हमें प्योर कॉपर मिल रहा है, प्योर कॉपर आप लोग का यहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी ये सारी चीज़ें हुई। कैथोड पे क्या होता है? CO2 प्लस होगा, तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ CO एटम बचेगा, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और एनोड पर क्या होगा आप लोग का? अगर CU है तो उसके दो इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो जाएंगे और ये CO2 प्लस, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर CU है तो वो CO2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और CO2 प्लस है तो वो CU में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैथोड पर आप लोग का रिडक्शन होता है, हमेशा याद रखना है कैथोड पर होता है रिडक्शन और एनोड पर होता है हमारा ऑक्सीडाइजेशन। तो आप लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से आप लोग क्या कर सकते हो? हाई रिएक्टिव मेटल में से भी आप लोग एक्सट्रैक्ट करके हाई रिएक्टिव ओर में से भी मेटल आप लोग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग कोरोजन की। कोरोजन मतलब क्या होता है? जंग लगना किसी भी चीज़ का। हमने बहुत सी बार बाहर देखा है कि हम लोग का क्या होता है कि जो रेलवे लाइन जाती है, रेलवे पटरियों को देख लिया करो, तो वो क्या होती है? हमारी लोहे की बनी होती है, मतलब क्या आयरन होता है, और वो मॉइस्चर की और हमारे ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आती है तो वो क्या हो जाती है? इस टाइप से हमारी उसमें जंग लग जाती है। तो ये तुम लोग देख सकते हो ये आयरन पे कैसे जंग लग गई और ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है। वैसे ही हमारे कॉइंस पर भी लग जाती है, तुमने देखा सिक्कों पर कभी जंग लग जाती है? जैसे ही वो वाटर मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आती है तो हमारे जो कॉइंस होते हैं सिक्के होते हैं उन पर भी जंग लग जाती है, हमारे बहुत सारे सिल्वर के बॉल्स पर भी इस तरीके से लग जाती है। तो ये देखो आयरन पर किस तरीके से हमारी रस्टिंग कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग होती है और कोरोजन हो जाता है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम अक्योर्स अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस और कॉल्ड रस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जंग लग गए उसको बोलते हैं हम लोग रस्ट, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। बहुत ही बार हम लोग देखते हैं कि ये चेन पहले ऐसे थी और उसको जंग लगने के बाद रस्टिंग होने के बाद ऐसे हो गए, तो ये फिनोमेना क्या हो जाएगा? हमारा कोरोजन हो जाएगा। तब कोरोजन को प्रिवेंट करने के दीदी कोई तरीके है कि नहीं? ऐसा नहीं है यार कि कल ही कोई आयरन को तुमने बाहर रखा तो कल की कल ही जंग लग जाएगी। इसमें साफ साफ बोला है फॉर अ लॉन्ग टाइम बेटू, आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, कल की कल नहीं लगता है कोई भी चीज़ें। तो तुम इसको किस टाइप से प्रिवेंट कर सकते हो? बहुत टाइप से हम लोग इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। पेंटिंग करके प्रिवेंट कर सकते हैं, ग्रीजिंग करके प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर दो उस चीज़ पर, ठीक है। अगर कोई जैसे ब्रिज वगैरह होते हैं तो उस पर भी हमारे मेटल के ब्रिज होते हैं ना, जैसे हम पकड़ के देखते बहुत सी बार, बहुत सारे ब्रिज, मैंने मोस्टली बोला, सारे नहीं बोला। तो आप लोग ऑयलिंग कर सकते हो, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हो और मेकिंग अलॉयज कर सकते हो। तो गैल्वेनाइजिंग आप लोग का क्या होता है? तो मैं आप लोग को छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ लेयर ऑफ जिंक। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, पहली बात तो ये किस किस को प्रोटेक्ट करती है? एक स्टील को और साथ ही साथ आयरन को प्रोटेक्ट करती है। कैसे ये कोरोजन और रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर सकती है? तो इस पर हम लोग एक लेयर जिंक की चढ़ा देते हैं, जिंक की एक लेयर ऐसे ऐसे पोत देंगे उसके ऊपर हम लोग, ठीक है, लाइक दिस, तो हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि दीदी मेकिंग अलॉयज का मतलब, तो ये भी मैं तुम लोग को बता देती हूँ। तो एन अलॉय इज होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर मेटल्स और अ मेटल और अ नॉन मेटल, ठीक है, दो और दो ज्यादा मेटल्स हो सकता है या फिर नॉन मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ अ प्योर मेटल। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है हमारे प्योर मेटल से, ठीक है। तो यहाँ तुम लोग अलॉय और रस्टिंग को भी समझ सकते हो। अच्छा बट यहाँ हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है आप लोग के न्यू सिलेबस के हिसाब से, जो कि 2020-23 वाले स्टूडेंट्स का आप लोग की हाफ फेल जल्द ही करीब में है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ फेल एग्जाम। साथ ही साथ इसको वन शॉट में हम लोग ने कम्प्लीटली कवर कर दिया है, और आप लोगों को कोई भी टॉपिक में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF नोट भी मैं टेलीग्राम पर आप लोग को डाल दूंगी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारी जल्द ही वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, लॉन्च तो हो चुकी है, उस पर
नोट्स आप लोग के जल्द ही मिल जाएंगे एंड वेबसाइट है www.thehustlers.in पर आप लोग के नोट्स भी जल्द ही अवेलेबल हो रहे होंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा लेक्चर प्लीज यार कॉमेंट करके ज्यादा कि दीदी के अच्छा था बुरा था। तुम बुरा भी बोलोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम लोग कॉमेंट जरूर करके जाना। तुम्हारी दीदी को पता होना चाहिए कि तुम्हें कैसा लगा लेक्चर। हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, शेयर विद एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखो। ऐसे पहले के भी लेक्चर्स आप लोग के अपलोड हो चुके हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और आप लोग का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन आप लोग वो भी देख सकते हैं, और सोशल साइंस का भी कॉन्टेंट आप लोग का आ चुका है। तो मैं सभी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और कोई भी चीज़ आप लोग को अगर ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद मी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चा पार्टी, दिल से बुरा लगता है। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तुम सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो, बराबर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही प्यारे और धमाकेदार कंटेंट के साथ विद द मीम्स। तो आप लोग को बहुत मजा आने वाला है सभी वन शॉट्स में, इसलिए एक सब्सक्राइब तो आप सभी लोगों का बनता है, जिससे कि आप लोग को सभी मेरे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।